हाँ जी बेटा, अपना आज का टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस। सो हुण तक जो आपां चैप्टर दे विच स्टडी कीता है उसके अकॉर्डिंग एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन एनी कैमिकल कॉम्बीनेशन। तो एटम है जो सब तो छोटा पार्टिकल है, तो इस करके अगर असी इसका मास, ठीक है, इसका भार देखना हो तो ये साढ़े लिए बहुत एक टफ प्रोसैस है कि असी एक सिंगल पार्टिकल का जिसनों असी एटम कह रहे हैं उसका असी मास किसी बैलेंस की हैल्प नाल पता कर सकीए। बैलेंस मीनस द जिसनों तुसी पंजाबी दे विच कह देने हो तकड़ी, ठीक है। तो कोई भी साढ़े कोल हले तक इदा का फिजिकल बैलेंस नहीं बनया जिस दे विच असी एक एटम नू पा के उसका एटोमिक मास फाइंड आउट कर सकीए, ठीक है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इनडायरैक्ट मैथड यूज़ किए ने फॉर डिटरमीनेशन ऑफ द एटोमिक मासिस। सब तो पहला उन्होंने एक इनडायरैक्ट प्रोसैस यूज़ करके, इनडायरैक्ट का मतलब होंगे बेटे जो सीधा मैथड नहीं है, इनडायरैक्ट मैथड नू यूज़ करते हुए हाइड्रोजन के एक एटम का मास पता किया। और वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कि 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम, किन्ना 1.66 × 10⁻²⁴, यू कैन राइट 7, 1.67, ठीक है। हुण देखो 10⁻²⁴ मीनस एक्चुअल दे विच असी की कह रहे हैं इसका मास किन्ना, अगर असी देखो 1.67 नू इन्ने ज़्यादा वड्डे नंबर नाल की करांगे डिवाइड, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो मास है बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा मास है, और साडे कोल कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जिस नाल असी इस नू डायरैक्ट मेयर कर सकी। तो इस करके साइंटिस्ट ने इनडायरैक्ट मैथड यूज़ किया फॉर डिटरमीनेशन ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और उस हाइड्रोजन के एटम का मास कि आ गया 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ठीक है। उस तो बाद साइंटिस्ट ने की मैथड यूज़ किया कि वह किसी भी एलीमेंट का मास फाइंड आउट करने लिए उसने हाइड्रोजन नू की रख लिया एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होंगे बेटे कि असी एक चीज़ फिक्स कर ली, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहवा कि मैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, तो वो लिए मैं इस मार्कर नू स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। तो मैं किमें करूँगी, इस तरीके ना मार्कर नू आपां अग्गे दी अग्गे मूव करते जावांगे और गिन लाँगे कि इस पूरे बोर्ड की जो लेंथ है वो किन्ने मार्कर से बराबर है। तो ये मार्कर की हो गया मेरा स्टैंडर्ड, या जिन्होंने आप कह सकते हैं रेफरेंस यूनिट। तो साइंटिस्ट ने किसनों रेफरेंस मनिया, हाइड्रोजन के एटमिक रेफरेंस मनिया, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे एलीमेंट्स का मास फाइंड आउट करने की कोशिश की। बट लेटर ऑन साइंटिस्ट ने जिमें जिमें मैथड एडवांस होंगे गए, हाइड्रोजन की जगह रेफरेंस किसनों यूज़ करना शुरू कर दिता, ऑक्सीजन नू। बट ऑक्सीजन नू भी कुछ टाइम लिए यूज़ किया गया फॉर रेफरेंस, और अल्टीमेटली जो अज के टाइम के विच भी अपना रेफरेंस पॉइंट चलता पे दैट इज़ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का की मतलब है बेटे, कल आप किया आइसोटोप्स जिस मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिती सी हाइड्रोजन 1H1, 1H2 and 1H3। सिमिलरली कार्बन के भी दो आइसोटोप्स होंगे ने 6C carbon and 12C 14। तो असी इस दे विच रेफरेंस केड़ा लै रहे हैं, कार्बन 12 नू, ठीक है। तो उन्होंने कार्बन 12 का एटम का मास मेजर किया और फिर उस दे अकॉर्डिंग बाकी सारे एलीमेंट्स का मास फाइंड आउट किया, ठीक है। ये जस्ट चीज़ा तुहानू समझाण लई दसियां गईआं, तुसीं इस दे विचों याद कुछ नहीं करना, ठीक है। याद की करना है डेफिनेशन ऑफ एटोमिक मास ऑफ एन एलीमेंट। सो एटोमिक मास नू असीं किद्दां डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज रैलेटिव मास, द एवरेज रैलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट एज कंपेयर टू
द मास ऑफ एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तक की क्या उन्होंने एवरेज रिलेटिव मास मीस तुसी कार्बन दे एक एटम दा पहला मास फाइंड आउट कर लो, फिर जिस भी एलिमेंट दा तुसी मास पता करना है तो तुसी देखो कि वो उस नालों किन्ना क भारा है या किन्ना क हल्का है। इस चीज़ नूं क्या जांदा है एवरेज रिलेटिव मास। तो तुसी एग्जाम्स लिए सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है। सो एटॉमिक मास, ठीक है, जो एटॉमिक मास नूं असी मेजर करते हैं बेटे उहदे यूनिट्स की ने ए एम यू और ए एम यू तुसी तीनों ही स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, कभी भी कैपिटल नहीं यूज़ करना। इट इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट दी एक एटॉमिक मास यूनिट है जो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 ग्राम। ये तो बेटे वन मार्क क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है कि वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 ग्राम, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज ने, ठीक है। तो असी अगर किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है, किसी भी एटम का मास फाइंड आउट करना है, तो असी उसको कैलकुलेट करते हैं द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एनी एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास नू इदां भी लिखा जाता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। देखो बेटा की है एटॉमिक मास किवें लिखा जाता है, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हुण जे तुसी थोड़ा जिहा याद करो तो मान लो असी किसी भी एलीमेंट का मास फाइंड आउट करना है, सानू नहीं पता कि वो एटम किस एलीमेंट का है, बट डिवाइड करना है 1/12, 1/12 इंटू 1/12 का मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ C12। और तुहानू पता है कि कार्बन 12 का मास किन्ना है, 12। तो अल्टीमेटली एटॉमिक मास सिंपली की है जो उस दे एटम का मास है। फॉर एग्जाम्पल जिवें हाइड्रोजन का मास असी किन्ना लैने 1, ऑक्सीजन का असी किन्ना लैने 16, ठीक है, नाइट्रोजन का किन्ना लैने तो 14। तो जस्ट यह जो डिवाइड वाला फैक्टर है, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है 1/12 × 12, ऑलमोस्ट ही की हो जाएगा 1। तो सिंपली एटॉमिक मास की है, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। उस तो बाद आ गया अपने कोल बेटे कंसैप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का की मतलब है, चलो आप हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ना ही डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स ने 1H1, 1H2 एंड 1H3, ठीक है। तो जो आ बेटा लोअर टर्म्स होंदिया ने एक ही रिप्रजेंट्स कर दिया ने एटॉमिक नंबर, और जड़िया टॉप वाली इन्हों असी की कहने एटॉमिक मास। तो साढ़े को हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स ने विद एटॉमिक मासिस 1, 2 एंड 3, ठीक है। हुण मैं तुहानू दस रही हाँ कि इस दे विच जिहड़ा 1H1 है वो नेचर दे विच एग्जिस्ट कर रहा है 50%, और जो 1H2 है मान लो वो एग्जिस्ट करता है 30%, और 1H3 कितना एग्जिस्ट करता है 20%, ठीक है। तो हुण असी अगर इन्हों का एवरेज एटॉमिक मास कढ़ना है, तो एवरेज एटॉमिक मास कढ़न लई असी की करते हैं, जो इन्हों की अबंडेंस है डिवाइड बाय 100,
हाँ जी ठीक है बेटा, असी इन्हों कैलकुलेट करांगे 50% मल्टीप्लाई इट्स मास 1 प्लस सेकेंड की किन्नी है 30 और इसका मास किन्ना है 2, थर्ड की किन्नी है 20 और इसका मास किन्ना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल ये किन्ना है बेटे 100। तो इस तरीके असं इन्हों की कर सकते हैं एवरेज रिलेटिव सॉरी एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है उस तो बाद है बेटा जो थोड़ा मेन टर्म है व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। नेक्स्ट टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल जिमें आ ही चीज़ है, देखो अगर असी लिख रहे हैं इदा एटॉमिक मास तो असी ये कह रहे हैं कि इदा एटॉमिक मास किन्ना 1 और 1 दे नाल असी यूनिट की यूज़ कर रहे हैं बेटा AMU एटॉमिक मास यूनिट। पर हाँ जी इन जनरल जब असी एटॉमिक मास की गल करते हैं तो असी उहदी यूनिट की लिख रहे हैं AMU दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। बट अगर मैं इसी मास नू लिखदा 1 ग्राम मीन्स एटॉमिक मास ही है पर उहदे मैं यूनिट कहड़े यूज़ कर लिए ग्राम, तो ये जिहड़ा मास है इस मास नू की किया जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। की किया जाएगा बेटा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है दिस और जिन्ना बेटे यह ग्राम एटॉमिक मास होंदा है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का 1 ग्राम है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम एटम दे फॉर एग्जाम्पल जिवें हाइड्रोजन का एटम है इसका जदों असी वेट 1 ग्राम लेने हैं तो वो जिहड़ा वेट है वो की होंदा है ग्राम एटॉमिक मास। की होंदा है ग्राम एटॉमिक मास। हुण सिमिलरली जिवें असी टर्म्स यूज़ कीतियां बेटे ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास तो असी टर्म्स यूज़ करते हैं मॉलिकुलर मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास सेम टर्म्स ने। अगली टर्म की है बेटा मॉलिक्यूलर मास एंड वो टर्म असी यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हुण देखो मॉलिक्यूलर मास देखो ये हाइड्रोजन इकल्ला है मीन्स ये की है एटम। बट अगर असी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिए कल आपां टॉपिक्स डिस्कस किया सीगा कि जदों दो या दो तो ज़्यादा एटम आपस मिलते हैं तो की बनता बेटा मॉलिक्यूल। ये केड़ा मॉलिक्यूल है होमो एटॉमिक क्योंकि इस दे विच दोनों एटम सेम ने हाइड्रोजन दे। तो हुण ये जो हाइड्रोजन है इट इज़ नॉट एन एटम इट इज़ अ मॉलिक्यूल। तो इहदा जिन्ना मास होएगा देखो इहदे विच किन्ने एटम्स ने 2 एटम्स ने और सानू पता है कि हाइड्रोजन के 1 एटम का मास किन्ना है 1 तो 2 का किन्ना हो गया 2। तो ये जिहड़ा मास है बेटे इस मास नू की किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है मीनस इन सिंपलैसट लैंगुएज किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होंगे उसनू मॉलिक्यूलर मास किया जाता है और किसी भी एटम का जो मास होंगे उसनू एटॉमिक मास किया जाता है। सिमिलरली अगला अपने को टर्म आ गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि अगर मैं इस 2 के पिछे ग्राम पा दा मीनस जो असी मॉलिक्यूलर मास का यूनिट फिक्स कर लेने हैं ग्राम तो कि मास बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है। और जिमें आप लिखा सीगा कि एटोमिक मास जिहड़ा ग्रैम एटोमिक मास है वह कादे इक्वल हुंदा है 1 ग्रैम एटम दे। सिमिलरली जो ग्रैम मोलीकुलर मास हुंदा है वह कादे इक्वल हुंदा बेटे 1 ग्रैम मोलीक्यूल दे। ठीक है, देखो जिहड़ा ग्रैम एटोमिक मास है वह हमेशा कहदे इक्वल हुंदा है 1 ग्रैम एटम दे, और जिहड़ा ग्रैम मोलीकुलर मास है वह कहदे इक्वल हुंदा है 1 ग्रैम मोलीक्यूल दे। ठीक है, हुण आपां थोड़े जिहे न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, फिर तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा कि एटोमिक मास या मोलीकुलर मास किवें फाइंड आउट करीदा है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स ने और एग्जाम्स लिए इंपॉर्टेंट भी ने। हाँ जी बेटा, जिवें तुहाडा है कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर 1 मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, और बी पार्ट है कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन। हम साडे कोल दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स ने, पहला असी की कैलकुलेट करना है भार पता करना है किन्ने ग्राम एटम्स आ 1.5 ग्राम एटम्स आ, और वो ग्राम एटम्स है कादे बेटा कैल्शियम दे। ते तां तुहानूं गिवन है कि एटोमिक मास है जो कैल्शियम दा वो किन्ना है 40। ठीक है, 40 दिता हुआ। हुण देखो बेटा फॉर्मूला की सी साडे कोल कि जो ग्राम एटोमिक मास है वो कादे इक्वल हुंदा है 1 ग्राम एटम दे। ठीक है, सिमिलरली असी क्या सी कि जिहड़ा ग्राम मोलीक्यूलर मास है वो कादे इक्वल हुंदा है 1 ग्राम मोलीक्यूल दे। हुण वो ग्राम एटोमिक मास हुंदा की है बेटे, एटोमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हुण इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझो, साड़ी कोल कैल्शियम दा एटोमिक मास गिवन है 40। जे इस एटोमिक मास नूं मैं ग्राम्स दे विच लिख लां तां किहड़ा मास बन जाएगा बेटे, ग्राम एटोमिक मास। दोबारा सुनो, कैल्शियम दा साड़ी कोल एटम है जिसका एटोमिक मास गिवन है 40। हुण साड़ी कोल फॉर्मूला है कि एटोमिक मास नूं ही जो ग्रैम्स दे विच लिख लिता जाता है तो की बन जाता है, ग्रैम एटोमिक मास। तो ग्रैम एटोमिक मास हमेशा कादे बराबर होंगे 1 ग्राम एटम दे। तो हुण इत्थे की मतलब होया कि मेरे कोल 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम कादे बराबर है बेटा 40 ग्राम दे। यही पता होया ना कि जिहड़ा 1 ग्राम एटम है वो कादा बेटा कैल्शियम दा, ते वो कादे बराबर है ग्राम एटोमिक मास दे, और वो एटोमिक मास सानू कितना दिता होया 40। या तुसी इहनू इदां समझो कि मेरे कोल 1 किलो आलू किन्ने रुपए दे आ रहे ने, 10 रुपए दे। ठीक है, या 1 किलो आलूआं दा जो प्राइस है वो किन्ना है 10 रुपीस, ते जे मैं 1 किलो दी जगह 1.5 किलो लैने हो तो किन्ने पैसे बनेंगे बेटा, 15 रुपए। ठीक है, की किया मैं सिंपली 1 ग्राम एटम का बराबर है 40 दे, ते जे 1.5 ग्राम एटम्स कढ़ना है तो वह का बराबर हो जाएंगे बेटा 40 × 1.5, दैट विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। यही किया सी ना, 10 रुपीज़ दे किन्ने आलू आ रहे ने 1 kg, और अगर सानू 1.5 kg दे आ रहे ने तो तुसी कहोगे मैम 10 × 1.5 ना मल्टीप्लाई कर लो, जो असी मल्टीप्लाई करांगे कि किन्ने आ जाएंगे 15 रुपीज़ दे।
ठीक है। सिमिलरली 1 ग्राम एटम कैल्शियम जो मैं वे कर रही हूँ कितना आ रहा 40 ग्राम, तो जी मैं उसके हाफ ग्राम एटम होर पा दा मीनस 1.5 कर ला तो वेट कितना हो जाएगा 40 × 1.5 दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, तो साड़ी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकेंड प्रॉब्लम की है, वी हैव टू कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हुन उल्टा है, सानू पता है देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता 16। जे मैं ग्राम च लिख लिया तो कि मास बन गया ग्राम एटॉमिक मास। तो हूँ ये जो 16 ग्राम है ये कादे बराबर है बेटे 1 ग्राम एटम दे। इट मीनस जे मेरे को ऑक्सीजन 16 ग्राम, इफ ऑक्सीजन या हमें लिख लो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 1। आ चीज़ लिखी है ना बेटे, जिन्ना ग्राम एटॉमिक मास होंदा उस किन्ने एटम्स होंगे ने ग्राम एटम्स ओनली 1। तो ऑक्सीजन का जे वेट 16 ग्राम है तो उस ग्राम एटम्स किन्ने हैं ओनली 1। जिहड़ी चीज़ असी फाइंड आउट करनी है वो असी इक्वल टू द राइट साइड लिखनी है। तो जे असी इसका वेट 1 ग्राम कर दिए तो फिर किन्ने बन जाएंगे 1/16, पर साडे कोल वेट है किन्ना 8 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किन्ने बन जाएंगे 1/16 × 8 दैट इज 1/2 0.5 ग्राम एटम्स। तो आंसर किन्ना आ गया 0.5 ग्राम एटम्स। इत्थे की सी सानू 1 ग्राम एटम का वेट किन्ना दिता हुआ सी 40, तो असी 1.5 का फाइंड आउट करने लिए किया 40 × 1.5 ना मल्टीप्लाई करता। इत्थे की है बेटे साडे कोल ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन 8 ग्राम के, तो 16 ग्राम के किन्ने ग्राम एटम्स ने ओनली 1, एक च किन्ने हो जाएंगे 1/16, तो 8 च किन्ने हो जाएंगे 1/16 × 8 दैट इज 0.5 ग्राम एटम्स। ठीक है, नैक्सट आ गया बेटा थोड़ा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है थोड़े एग्जाम्स लिए, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और यू सिंपली से मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला की है C6H12O6 की फॉर्मूला है C6H12O6 गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। हाँ जी देखो बेटा, असी मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है ग्लूकोज का, सानू फॉर्मूला गिवन है। हुण देखो ये एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो ये 6 एटम्स मिले हुए ने कार्बन दे, 12 एटम्स मिले हुए ने हाइड्रोजन दे और 6 एटम्स मिले हुए ने ऑक्सीजन दे। इस करके असीं इहदा किहड़ा मास फाइंड आउट करांगे मॉलिक्यूलर मास। तो असीं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है और सानू एटॉमिक मासिस गिवन है कार्बन का भी हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। तो मॉलिक्यूलर मास की आएगा सम ऑफ ऑल मासिस। तो हुण देखो किन्ने कार्बन ने 6, तो 6 × 12, 6 × मास ऑफ कार्बन, कार्बन किन्ना है 12, फिर तुसी की पा देना प्लस हाइड्रोजन किन्ने ने 12, तो एक हाइड्रोजन का मास किन्ना है 1, प्लस ऑक्सीजन किन्ने ने 6 और एक ऑक्सीजन का मास किन्ना है 16। तो किन्ना बन गया बेटा
72 + 12 + 96, इट इज़ इक्वल टू 180 ग्राम। ता मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 180 ग्राम। क्लियर बेटा, कितना मास हो गया 180 ग्राम। ऐसे तरीके नाल तुहानूं उन्होंने दस्या होया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कैलकुलेट हाँ जी नेक्स्ट दिता है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, ठीक है, और शुगर द गिवन दैट मॉलिक्यूलर मास, यहाँ कहो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 342 ग्राम। हुन तुहानू ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास बेटा पहले ही गिवन है, मीन्स ये की गिवन है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हुन साडे कोल देखो, सानू पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास दा मतलब है 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इट मीन्स अगर शुगर दा मास 342 है तो उहदे विच किन्ने ग्राम मॉलिक्यूल्स ने 1, ते असी कढ़ने किन्ने ने बेटे 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स। हुण देखो तुहानू ग्राम मॉलिक्यूल्स गिवन है ते असी कढ़ना की है मास, तो जिहड़ी चीज़ कढ़नी उहनू पिछे लै जाओ, तो असी की लिखांगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ता मॉलिक्यूलर मास किन्ना है इट इज़ इक्वल टू 342 ग्राम, ते असी कढ़ना किन्ने आ दा बेटे 0.5, इट विल बी इक्वल टू 342 इंटू 0.5 एंड इट विल कम आउट टू बी 171 ग्राम। तो कितना आंसर आ जाएगा 171 ग्राम, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, हुन ये सी बेटा थोड़ा आज का टॉपिक, मेनली वी हैव डेल्ट विद एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हुन तुहाडे लई दो प्रॉब्लम्स ने, दो न्यूमेरिकल्स ने जिहड़े तुसी खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। राइट डाउन द न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट तुसी फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 गिवन दैट, तानू गिवन की है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, सल्फर इज इक्वल टू 32 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल तुसी इहदा की फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर, या लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S, ठीक है। अगेन गिवन दैट हाइड्रोजन का मास किन्ना है 1 एंड सल्फर का किन्ना है 32। तो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स विच यू हैव टू सॉल्व एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बेटा प्लीज़ प्लीज़ शेयर इन द ग्रुप, ठीक है।
ओके बेटा, थैंक यू।